रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं में धड़ल्ले से चल रही नकल के खेल का आज तक ने खुलासा किया तो फौरन उसका असर भी हुआ। स्कूलों में नकल पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और इसी के साथ मथुरा के दो केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में नकल माफिया की कसेगी नकेल। नक्कालों की नाक में दम करेगी सरकार। नकल माफिया के खिलाफ हरकत में योगी सरकार। ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों में होने वाली परीक्षा की तस्वीर है। नकल कराने वाले नई उम्र की नस्ल तैयार करने में जुटे हैं। दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षाओं में छपाई अभियान जोरों पर है। एक दिन पहले पूरे मीडिया और आज तक ने मथुरा, बलिया, देवरिया, मैनपुरी हर जगह नकल माफियाओं की मनमानी दिखाई और ये साबित किया कि किस तरह से चंद पैसों के लिए अफसर से लेकर अध्यापक, प्रिंसिपल सब बिक रहे हैं। सेंटर वाले हमें सेंटर नहीं मिल रहा। हमने कहा हमारा तो सेंटर भला नहीं देने लगा दीजिए, जो अपने जुआर के सब अपने काम हो जाता है। ये मीडिया में खबर दिखाने का ही असर है कि सूबे की नई योगी सरकार हरकत में आ गई है। यूपी सरकार ने नकल रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी किया है। सरकार ने इसके लिए 0522-22-36760-94544-5724-1 का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नकल माफिया का खुला खेल उजागर होने के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मथुरा शैक्षिक प्रशासन ने दो परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी है। शेरगढ़ के सरदार पटेल स्कूल से भारी मात्रा में बरामद नकल सामग्रियों को हमने दिखाया भी था, साथ ही हमने इस बात का पर्दाफाश भी किया था कि स्कूलों में कैसे नक्कालों का गोरख धंधा चलाया जाता है। तो वहाँ पर मैंने दो परीक्षा केंद्रों की परीक्षा ग्रस्त की, उनके जैसे हमारा सचिन पहुँचा तो बाहर भीड़ थी, तो वो भी शोध कर रही थी। साथ ही साथ अंदर जब जाने पर कक्ष संख्या 6 और 8 के सामने से नकल सामग्री फेंकी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने सोमवार को आज तक से खास बातचीत में कहा था कि सरकार जल्द ही नई रणनीति पर काम कर रही है जिसके सहारे नकल गिरोह से निजात पाई जा सकेगी। सईद मसरूर हसन और नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, मथुरा आज तक। आज तक के खुलासे का एक और बड़ा असर हुआ। नकल पर नकेल कसने की रणनीति बनाने के लिए योगी सरकार ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से अब से कुछ देर बाद एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने दिनेश शर्मा से बातचीत की। नकल के प्रति हम लोग पहले से चिंतनशील हैं और नकल की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, हमेशा बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी रही है। लेकिन विडंबना यह है कि जो पुरानी परंपराएं, व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको बदलने में थोड़ा समय चाहिए। जितनी सख्ती हो सकती है सारे जिलाधिकारियों से, सारे एसएसपी से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी, सारे डीआईओ से मैं बात कर रहा हूं, अभी तमाम जगह जहां जहां शिकायतें आई उनसे भी बात करी है, हमारे अधिकारियों को लगाया गया है। टोल फ्री नंबर भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, अभी उसकी एक प्रक्रिया होती है 3 दिन के अंदर आता है, आज अप्लाई किया तो 2 दिन के बाद आएगा। टोल फ्री नंबर भी जारी होगा, व्हाट्सएप का नंबर भी जारी होगा और उसकी मॉनिटरिंग हमारे उच्च अधिकारी करेंगे। उसको जहाँ जहाँ शिकायत आएगी नकल बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी होगा। इसमें किसी पार्टी का और किसी संप्रदाय जाति का मतलब नहीं है, क्षेत्र का मतलब है। जो दोषी होगा दंडित होगा, मतलब क्या है, कोई भी कहीं का होगा, अगर दोषी है नकल कराने में महारत रखता है तो सरकार कार्रवाई करेगी।